जय माता दी। मैं आचार्य अभिनव दुबे, आपका मित्र, आपका मार्गदर्शक और आपका ज्योतिषी। आज धनुराशि के जातकों के लिए वर्ष फल 2018 कैसा रहेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपके सितारे कहते हैं कि धनुराशि के जातक इस वर्ष आप आर्थिक रूप से काफी मजबूत होंगे और आप होंगे इस वर्ष मालामाल। आपके आसपास का माहौल रहेगा सकारात्मक और आपको इस वर्ष इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। आर्थिक स्थिति, धनराशि के जातकों को इस वर्ष अच्छी सफलता का योग है। गुरु आपके लाभ के भाव में इस वर्ष सितंबर तक रहेंगे और आपको इसको भरपूर फायदा उठाना चाहिए। आपको आमदनी के नए स्रोत खुलेंगे और केतु के दूसरे भाव में गोचर करने के कारण कुछ बचत में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस वर्ष अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए केले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। आपको आर्थिक हानि से बचने के लिए इस वर्ष पीला वस्त्र, हल्दी का दान करने से भी बचना चाहिए। स्वास्थ्य, इस वर्ष आप अपने स्वास्थ्य का बेहतर आनंद ले सकते हैं क्योंकि आपके लग्न का स्वामी गुरु ग्राह्य भाव में गोचर कर रहा है, जिससे आपको इस वर्ष स्वास्थ्य में कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है, जिसका आपको भरपूर फायदा भी उठाना चाहिए और अधिक ऊर्जा के साथ काम करना चाहिए। पर आपके लग्न पर शनि के गोचर करने के कारण और दशम भाव में देखने के कारण काम के बोझ के तले आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको इस वर्ष स्वस्थ रहने के लिए काम के प्रेशर से बचना चाहिए और आपको इस वर्ष अधिक से अधिक नियमित व्यायाम करना चाहिए और तले हुए भोजन से बचना चाहिए। नौकरी व करियर, नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह वर्ष बहुत ही अच्छा है। आपका प्रमोशन का योग बन रहा है और आज इससे आपके वेतनमान में वृद्धि भी होगी और इस वर्ष ट्रांसफर के लिए प्रयासरत रहने वाले धनुराशि के जातकों को इस वर्ष के अंत तक ट्रांसफर का भी योग बन रहा है। कर्म भाव में शनि के देखने के कारण इस वर्ष आपको कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी में अधिक तरक्की प्राप्त करने के लिए इस वर्ष आपको फिरोजा रत्न धारण करना चाहिए और इस वर्ष आपको नौकरी में होने वाली परेशानी से बचने के लिए ऑफिस की बातों को दूसरों के साथ भी शेयर करने से बचना चाहिए। पारिवारिक भविष्यफल, इस वर्ष धनुराशि के जातकों को माता पिता से संबंध अच्छे बने रहेंगे। भाइयों के साथ अनबन हो सकती है, खास करके छोटे भाई के साथ। बड़े भाई से इस वर्ष आपको लाभ होने की संभावना है और बड़े भाई का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। इस वर्ष आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, नए मित्र बनेंगे और आपके परिवार में इस वर्ष कोई शुभ आयोजन हो सकता है। इस वर्ष आपको अपने माता पिता से आशीर्वाद प्रतिदिन लेते रहना चाहिए और इस वर्ष आपको अपने भाइयों के साथ विवाद से भी बचना चाहिए, जिससे आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। व्यापार में धनुराशि के जातकों का व्यापार मई के बाद गति पकड़ेगा। आपको इस वर्ष कुछ ऊंचा सोचें, ऊंचा लक्ष्य रखें, सफलता अवश्य मिलेगी। इस वर्ष आपको अपने व्यावसायिक स्थल पर दैनिक उपयोग की सामग्री में पीले रंगों को महत्व देना चाहिए और इस वर्ष आपको वृश्चिक राशि के जातकों को पार्टनर नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो आपको हानि हो सकती है। वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध, इस वर्ष आपको अपने वैवाहिक जीवन में प्रगति देखने को मिलेगी और इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपके प्रेम के जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति हस्तक्षेप ना करे, नहीं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पूरा वर्ष आप अपने जीवन साथी के साथ खुशहाल बने रहेंगे। इस वर्ष आपको स्थान प्राप्ति का भी योग बन रहा है। शादी के योग जातकों को इस वर्ष जुलाई के बाद शादी होने का योग बन रहा है। वैवाहिक और प्रेम जीवन को सफल बनाए रखने के लिए इस वर्ष आपको अपनी प्रेमी के भावनाओं और उनके विचारों को अपने साथियों के साथ शेयर ना करें, नहीं तो आपको इस वर्ष दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है और आपका संबंध अपने पार्टनर के साथ खराब हो सकता है। शिक्षा व प्रतियोगिता, धनुराशि के जातकों को सितंबर तक शिक्षा के लिए समय अनुकूल रहेगा। आपको मन लगा के पढ़ाई करना चाहिए और अच्छे अंक प्राप्त करना चाहिए। सितंबर के बाद
गुरु के वृश्चिक राशि में गोचर करने से आपके मन में एकाग्रता की कमी आएगी, जिससे आपका मन पढ़ाई से भटक सकता है। इसलिए आपको अधिक से अधिक मेहनत करना है। और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को इस वर्ष सफलता मिलेगी। आपको अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए इस वर्ष चार मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आपको इस वर्ष मोबाइल, कंप्यूटर, व्हाट्सएप, फेसबुक से इस वर्ष बचना चाहिए, नहीं तो आपका मन उधर लग सकता है, जिससे आपको पढ़ाई में दिक्कत हो सकती है। साथियों, यह रहा धनु राशि के जातकों का वर्ष फल 2018 का निष्कर्ष फल। मैं आचार्य अभिनव दुबे आप सभी से वादा करता हूँ, मेरे द्वारा राशिफल में बताए गए उपायों को करने से इस वर्ष होने वाली समस्याओं से आप बच जाएंगे। यदि कोई किसी भी समस्या से परेशान है तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और हमसे अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराएं। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करता हूं कि हे माता रानी, मेरे सभी दर्शकों पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी। हम फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ।